जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबर, खबरें देखते हैं रफ्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी, आज दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, पीएम मोदी शामिल हुए। बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। लोकसभा चुनाव समेत विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल का आज आखिरी दिन, सुबह राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी पर ईडी कोर्ट का फैसला सुरक्षित, ईडी ने मांगी है अर्पिता की रिमांड। सोनीपत एसटीएफ ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर प्रवीण को किया गिरफ्तार, कनाडा में बैठे गोल्डी बरार के संपर्क में था। आपके कार्यक्रम में फाड़े गए सीएम अरविंद केजरीवाल के पोस्टर, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पुलिस पर पोस्टर फाड़ने का आरोप लगाया। देश की फूड कैपिटल बनेगी राजधानी दिल्ली, अगले 5 सालों में दिल्ली को फूड हब के तौर पर डेवलप किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन, स्वामी महाराज शताब्दी समारोह में हुए शामिल। कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम में पाकिस्तान को राजनाथ सिंह की दो टूक, पीओके भारत का हिस्सा था, हिस्सा है और भारत का हिस्सा रहेगा। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार पर प्रशासन का शिकंजा, भाई अफजाल अंसारी की 15 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क, मोहम्मदाबाद तहसील के मांचा गांव में कार्रवाई हुई। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर। ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर हमला, बोले जो अपने परिवार को नहीं संभाल पाए वो हमें क्या संभालेंगे, बीएसपी के साथ मिलकर करेंगे आगे की राजनीति। हरिद्वार में कांवर मेले के दौरान बड़ा हादसा, पार्किंग में खड़ी कांवरियों की बाइक जलकर खाक, हर की पैड़ी में गंगा जल लेने आए थे कांवरिये। रांची के एक कार्यक्रम में सीजेआई एनवी रमन्ना ने नसीहत दी, कहा सोशल मीडिया जुडिशियरी की लिबर्टी को अनावश्यक तौर पर उछालने का काम बंद करे। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मरीज मिला, मरीज को मौलाना आजाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। देश के बड़े हिस्से में बाढ़ बारिश का कहर जारी, उत्तराखंड मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरकाशी में भारी बारिश से यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद, पाली और किसाला के पास हाईवे पर मलबा गिरा। मध्य प्रदेश के साजापुर में नदी में उफान आने के बाद बच्चों से भरी स्कूल बस पानी में जा गिरी, पुल पार करते वक्त पानी में डूबी बस। छिंदवाड़ा में लगातार बारिश के बाद कांगला नदी उफान पर, पानी के तेज बहाव को पार कर रही ट्रैक्टर के बहने से एक व्यक्ति की मौत, ग्रामीणों की मदद से 2 लोगों को बचाया गया। भारी बारिश से एमपी के बीजापुर में बने सीआरपीएफ कैंप में भरा पानी, कैंप खाली कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचे जवान। अजमेर में भारी बारिश के बाद पानी से लबालब हुई सड़कें, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। गुजरात के मेहसाणा में भारी बारिश के बाद जगह जगह हुआ जलभराव, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जमालपुर थाना इलाके में दिन दहाड़े मोबाइल की दुकान से चोरी, 24,000 के मोबाइल पर चोरों ने हाथ साफ किया, छानबीन में जुटी पुलिस। बोकारो में चोरी के आरोप में 4 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, चास पुलिस ने सभी आरोपी को जेल भेजा। रामगढ़ से भारी मात्रा में शराब बरामद, 24 कार्टून नेपाली देशी शराब जब्त, आरोपी कारोबारी फरार। हजारीबाग जिले के कुसंभा जंगल में पेड़ से लटका हुआ मिला एक युवक का शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सहरसा के बलहा गांव में 7 साल की बच्ची का शव मिलने से सनसनी, मृतक बच्ची की पहचान ऋचा कुमारी के तौर पर की गई, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। धनबाद के केंदुआ में अहले सुबह घर के पास खड़ी स्कॉर्पियो पर 3 राउंड फायरिंग, सौरभ और उसके परिवार में दहशत, फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रांची के मुरी रेलवे स्टेशन से 59 किलो गांजा बरामद, आरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर ताड़ी के कारोबारी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मधेपुरा में शराब पीने और बेचने के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार, मौके से भारी मात्रा में शराब बरामद।
बगहा में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, ससुराल वालों पर जहर देकर मारने का आरोप, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया अस्पताल। गोड्डा में 35 वर्षीय युवक की पानी में लाश मिलने से सनसनी, मामला पुड़ैया हाट के सरकारी तालाब की, थाने में मामला दर्ज। बेतिया के यूरिया की सरेआम हो रही है कालाबाजारी, यूरिया की किल्लत से किसान परेशान है, कृषि पदाधिकारी ने पैक्स गोदाम में छापेमारी कर 123 बोरा यूरिया बरामद किया। नालंदा के बिहार थाना इलाके में देर शाम एक शराबी ने जमकर मचाया उत्पात, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी कानून की पोल खोल कर रख दी। बेतिया में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान, ड्रोन कैमरे से रखी जा रही है निगरानी, मुफस्सिल थाना इलाके के पिपरा मुशर टोला में कार्रवाई हुई। बगहा में नशीले पदार्थों के साथ कार जब्त, पुलिस को देखकर तस्कर हुए फरार, वाहन जांच के दौरान नैनहा ढाला पर नदी थाना पुलिस ने कार्रवाई की। बांका जिले के बल्लीकित्ता गांव में जमीन विवाद में दो भाइयों के बीच मारपीट, दोनों पक्षों के 6 से ज्यादा लोग घायल। लखीसराय में तेजी से बढ़ रही है नकली इलेक्ट्रॉनिक सामान का गोरखधंधा, ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर डुप्लीकेट सामान की बाजार में खुलेआम हो रही है बिक्री, पुलिस की छापेमारी में खुलासा हुआ। अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ पटना सिटी में पुलिस की विशेष छापेमारी अभियान जारी, मालसलामी थाना इलाके के पत्थरघाट, नुरुद्दीनगंज और गौरीदास की मंडी इलाके में 5 कारोबारी गिरफ्तार। कोटी में अफीम के अवैध कारोबार से जुड़े एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया, आरोपी पांड्या मुंडा के पास से 1 किलो 550 ग्राम अफीम को बरामद किया गया। मुंगेर में संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, पुलिस ने परिवार वालों से पूछताछ की, मामले की जांच जारी। पटना के पत्रकार नगर थाना इलाके से कोतवाली पुलिस ने अवैध खून का कारोबार करने वाले 2 शख्स को गिरफ्तार किया, पटना एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। छपरा के एकमा प्रखंड में परसा मिल की रोड की हालत बेहद खराब, 10 साल में एक बार भी नहीं बना रोड, लोगों को आने जाने में होती है परेशानी। कोटी के कर्रा थाना इलाके से 5 बालू लदे डंपर जब्त, खनन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरिडीह में बेकाबू होकर पलटी सीआरपीएफ जवानों से भरा वाहन, 1 दर्जन जवान घायल, सभी की हालत सामान्य। बोकारो के गोमिया में करंट की चपेट में आई 2 महिलाएं, 1 की हालत गंभीर, दूसरी खतरे से बाहर। मधेपुरा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 1 पुरुष की मौत, 3 महिला घायल, 1 की स्थिति नाजुक। बेतिया के मझौलिया में सिकरहाना नदी में 1 अधेड़ की डूबने की खबर, लापता शेख कमरुद्दीन की तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। मधेपुरा के सुरसर नदी में स्नान के दौरान गहरे पानी में डूबने से एक शादीशुदा युवक की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड में कई जगहों पर तेजी से मीथेन गैस का रिसाव जारी, ग्रामीणों की भीड़ जुटी। बेगूसराय में करंट की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत, परिवार वालों में कोहराम मचा, जिले के बखरी थाना इलाके के वार्ड नंबर 7 की घटना, शव को बरामद कर जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 1 साइकिल सवार बुजुर्ग व्यक्ति की मौत, परिवार वालों में कोहराम मच गया। यूपी से गिरफ्तार पीएफआई के नेता नूरुद्दीन जंगी की बिना शर्त रिहाई की मांग को लेकर भाकपा माले का प्रदर्शन, फुलवारी शरीफ कांड में गिरफ्तार लोगों को रिहा करने की मांग को लेकर निकाला प्रतिवाद मार्च। खाने की चीजों पर जीएसटी लगाने को लेकर लोगों में आक्रोश, पटना सिटी के मालसलामी बस स्टैंड के पास से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। कैमूर जिले के जलालपुर गांव के पोखरे के पिंड पर गांव के ही लोगों द्वारा किया गया अतिक्रमण, ग्रामीणों के द्वारा अंचलाधिकारी से लेकर जिलाधिकारी तक लगातार अतिक्रमण हटाने को लेकर आवेदन दिए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के बाबा नगरी में महाकाल सेवा दल कांवरिया शिविर का उद्घाटन किया गया, भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने उद्घाटन किया। शेखपुरा में डीएम ने पौधारोपण किया, जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा 73वें वन महोत्सव के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोटी के वन प्रमंडल कार्यालय परिसर में हाथी से हताहत शहीद जसविंद सालकर आइंद को आज भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। सुपौल में द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर आदिवासी समाज में हर्ष का माहौल, पारंपरिक नृत्य और मिठाई बांटकर खुशी मनाई। बिहार सरकार के वन पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने सहरसा के विभिन्न पार्कों का जायजा लिया। लखीसराय में 3 दिवसीय दौरे पर विधानसभा अध्यक्ष सह स्थानीय विधायक विजय कुमार सिन्हा, जहां उन्होंने बीजेपी प्रधान कार्यालय में आयोजित जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। पाकुड़ डीसी और एसपी ने महेशपुर और पकुड़िया प्रखंड के विभिन्न चेकनाका का औचक निरीक्षण किया।
हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने मनाया अपना स्थापना दिवस। इस मौके पर गया के कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। घाटशिला के लखाईडी गांव पहुंचे डीसी विजया जाधव। ग्रामीणों ने डीसी का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। डीसी ने गांव को विकास योजनाओं की सौगात दी। सीतामढ़ी में कारगिल विजय दिवस पर पूर्व सैनिक संगठन की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। सैकड़ों लोगों ने यात्रा में भाग लिया। मधेपुरा में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर एसपी ने कसी कमर। मुरलीगंज समेत कई थाना इलाके का निरीक्षण किया गया। लंबित मामलों को जल्द निपटाने और खानापूर्ति बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी। पाकुड़ डीसी और एसपी ने महेशपुर और पकुड़िया प्रखंड के कई चेकपोस्ट का निरीक्षण किया। अवैध परिवहन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सिवान में छात्राओं का रहा जलवा। दसवीं की परीक्षा में छात्रा साक्षी कुमारी ने 99 अंक लेकर नाम रोशन किया। बेतिया में अंधविश्वास के चक्कर में 10 वर्षीय बच्ची की जान गई। सांप ने डसने के बाद इलाज के बदले परिजन करा रहे थे झाड़फूंक। परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल। रोहतास पुलिस ने अपराधियों और शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए चलाया अभियान। रोहतास एसपी खुद रात को सड़कों पर लगा रहे हैं गश्त। विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस बल के साथ चलाया चेकिंग अभियान। गुमला जिले के रायडी प्रखंड में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की तरफ से सदस्यता अभियान चलाया गया। जिला सहकारिता अधिकारी ने कहा प्रत्येक किसान लैम्प्स के सदस्य बने। किशनगंज की रुचि सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में 96.4% अंक लाकर बनी जिला टॉपर। रांची रेल मंडल के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर रेलवे सुरक्षा बल हटिया बचपन बचाओ आंदोलन की टीम ने मानव तस्करी को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। धनबाद में कांग्रेस संगठन में चुनाव की सरगर्मी तेज। जिला अध्यक्ष चुनाव के लिए धनबाद पहुंचे पर्यवेक्षक। 28 लोगों ने नामांकन किया। लातेहार में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं निर्वाचक पंजीकरण 1960 को लेकर लातेहार डीसी ने बैठक की। मुजफ्फरपुर का बाबा गरीबनाथ धाम गेरुआ वस्त्रधारी कांवरियों से पटा हुआ है। शहर बोल बम के जयकारों से गूंज रहा है। बांका डीएम अंशुल कुमार ने कांवरिया पथ में औचक निरीक्षण किया। बांका बॉर्डर से अबरखा तक कांवरिया पथ में बिजली पानी साफ सफाई और दवाई का जायजा लिया। बांका में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आज 11वां दिन। बांका डीएम और एसडीपीओ ने कांवरिया पथ पर पैदल चलकर अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। श्रावणी मेले में दिव्यांग श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं बाबा के दरबार। सावन के पवित्र महीने में सुल्तानगंज से जल लेकर पैदल आते हैं बाबा धाम। मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेले के दौरान भीड़ को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। कई मार्ग में बदलाव किए गए हैं। भागलपुर में दूसरी सोमवारी पर जल चढ़ाने के लिए हजारों डाक बम श्रद्धालु का जत्था सुल्तानगंज से बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। गया में पौधारोपण कर मनाया गया सावन महोत्सव। सैकड़ों महिलाओं ने एक साथ पौधारोपण किया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता। चौथे थ्रो में 88.13 मीटर तक फेंका भाला। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने 90.21 की दूरी तय कर गोल्ड मेडल जीता। नीरज चोपड़ा को पीएम मोदी ने बधाई दी। कहा नीरज ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। पानीपत में नीरज चोपड़ा के गांव में जश्न का माहौल। परिवार के लोगों और ग्रामीणों ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई। श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच दूसरा टेस्ट मैच गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया मुकाबला। श्रीलंका के खिलाफ गॉल में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट से पहले पाकिस्तान टीम को झटका चोट की वजह से। तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी दूसरे टेस्ट से बाहर हुए। आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे खेला गया। पहले मुकाबले में 3 रन से जीता था भारत। इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट टीम ग्लोमोर्गन के बल्लेबाज सैम नॉर्थ ईस्ट ने बनाया रिकॉर्ड। लीसेस्टर शायर के खिलाफ 410 रनों की नाबाद पारी खेली। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे से पहले इंग्लैंड को लगा झटका। तेज गेंदबाज ब्रैडन कॉर्स पैर की अंगुली की चोट के कारण तीसरे वनडे से बाहर। मशहूर टीवी सीरियल भाभी जी घर पर हैं के कलाकार दीपेश भान का निधन। ब्रेन हेमरेज की वजह से हुई मौत। क्रिकेट खेलने के दौरान अचानक बिगड़ी थी तबीयत। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। रिलीज के बाद शमशेरा को नहीं मिल रहा है दर्शकों का रिस्पांस। फिल्म ने पहले दिन की धीमी शुरुआत के बाद दूसरे दिन भी 15 करोड़ से कम की कमाई की। फिल्म का कुल कनेक्शन अब तक महज 20 करोड़ के पार पहुंचा। टेलीविजन का मशहूर क्विज रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति एक बार फिर टीवी पर वापसी कर रहा है।
शो का 14वां सीजन इस साल 15 अगस्त से शुरू होगा। अपनी आने वाले फिल्म डार्लिंग्स को लेकर आलिया भट्ट चर्चा में। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर ट्रेलर लॉन्च से पहले नए पोस्टर्स की एक सीरीज शेयर की। आज बॉलीवुड सिंगर, म्यूजिक कंपोजर और एक्टर हिमेश रेशमिया का जन्मदिन। 50 साल के हो गए हैं हिमेश रेशमिया। बतौर म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर शुरू किया था करियर। यूक्रेन में ओडिशा के एक पोर्ट पर रशियन सेना का हमला। यूक्रेन का दावा, हमले में भारी नुकसान नहीं हुआ। भीषण गर्मी से झुलस रहे यूरोप में जंगलों की आग से तबाही। स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इटली और अमेरिका के जंगल भी धधके। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग, हजारों एकड़ में फैली आग बुझाने का काम जारी। इटली के जंगलों में लगी आग को बुझाने का काम जारी। हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाने का काम चल रहा है। और वक्त एक ब्रेक का।